अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, आईना, शीशा कितना नाजुक रहता है, नहीं गिर गया तो फूट जाता, लेकिन हमेशा सच बोलता। गोरे रहे तो अब गोरे बोलता, काले रहे तो काले बोलता, है नहीं? तो उससे हमें सबक मिलता कि हमेशा हम सच और हक बताना। जितने भी लोगा शिया टीका का दर्द, शिया टीका का पेन जिनको भी होता, कमर से लास्ट एड़ी तक, उसके लिए दर्दों के लिए जो गोलियां खाते, खाए तक कम रहता फिर दर्द आता, है नहीं, टीचा मारते। तो एक कुदरती, आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ, घर पे बैठ के गोलियां बना ले सकते हैं आप, और वो सुबह शाम एक एक खाओ, एक हफ्ते में है इंशाल्लाह आपको बेहतरीन फायदा हो जाता, इंशाल्लाह। ठीक है, आप एक महीना भी खा सकते हैं, आप लाइफ लॉन्ग भी खा सकते हैं, उसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो आपको ताकत है। कुदरती चीजों में कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप एक बीमारी का इलाज कराने जाते, 10 बीमारियां पैदा कर लेते। और हर मेरे लाइव वीडियो में मैं आपको एक एक लाइव रिजल्ट्स के साथ, और रिजल्ट्स भी बताया तो मैं पूरे चैलेंजिंग केसेस बताता हूँ, ऐसे नॉर्मल शुगर, बीपी, थायराइड के नहीं, जिनका केस बहुत क्रिटिकल है, सीरियस है, सुपर चैलेंजिंग है, इंशाल्लाह वैसे रिजल्ट्स निकाल के। ये मदद मैंने करा, ये मदद अल्लाह करा बोल के बताता हूँ, बिकॉज हर चीज के ऊपर सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता, वहां से मिलना हिकमत है, नहीं हम जरिया है, जिसे अल्लाह पसंद करते हैं उनको हिकमत से नवाजते, तो अल्लाह हिकमत से जो मुझे नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये इलम को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए अल्लाह मेरी नीयत देख के शिफा दे। यानी मेरी माँ आए हुए हैं, तकरीबन 8 लाख रुपए खर्च करे हो, 8 लाख रुपए खर्च करे, लंग्स बहुत कमजोर हो गए, डॉक्टर बोले कहते आप बाहर गाँव कुछ आपको ढूंढ ले तो भी इलाज नहीं मिलता आपका, आपको ऑक्सीजन देना, और जो है ऑक्सीजन का भाड़ा 12,000 रुपया, और गोलियां का खर्चा, आपकी दवाइयां का खर्चा 8,000 रुपया। अब उन्होंने गरीब, यानी अब उन्होंने कहां से कर सकते, बोलो, खाने को आज कमाने को पैसे नहीं, खाली गोलियां को हजारों के लाखों के डाल दिए तो क्यों, जिंदगी कहां है, रास्ता कहां जाना, क्या करना, कौन है मददगार। उन्होंने सिर्फ तहज्जुद में उठ के अल्लाह से दुआ करे, तहज्जुद में उठ के अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह सही रास्ता बता, मैं बहुत तकलीफ में हूं। तब उनको कैसा मेरा एड्रेस मिला, अल्लाह बेहतर जाने, उन्होंने मेरे पास आए, 1 महीना, 8 दिन में उनका ऑक्सीजन निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन में ऑक्सीजन उठा के फेंके, सांस पूरा जबरदस्त आके, खड़के खाली दुआएं दे रहे, कुछ बोल रहे नहीं, खड़के दुआएं पे दुआएं दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए उनसे बात करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको शियाटिका का पेन के लिए एक नेचुरल रेमेडी बताता हूँ, आप घर पे बैठ के कर लो ये चीज़ा, इंशाल्लाह फायदे में आ जाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है माँ? खैरियत से। कहाँ से है? बीजापुर से। बीजापुर से, क्या तकलीफ थी आपको? ऑक्सीजन की लंग्स वीक थे, नहीं मेरे हाँ लंग्स वीक थे, डॉक्टर आंग दिखाए, हाँ क्या भी इलाज नहीं है, कहाँ गए तो भी हाँ बेंगलुरु में दिखाए, हाँ बहुत पैसा एक खर्च मिनट पकड़ करे, ले दो, बोलो, हाँ बोलो, बेंगलुरु हॉस्पिटल में दिखाए, नारायण हॉस्पिटल में, हाँ तो इसका इलाज काम भी नहीं है बोले उन्हों, काम भी नहीं है, तो बाहर गांव को भी नहीं, बाहर ले गए तो भी नहीं है, हाँ हमारे पास सब भी डॉक्टर बाहर के इधर आते हैं, हाँ हर मीटिंग में तुम्हारी फाइल रख रहे हैं, हम बोले डॉक्टर हाँ रख रहे, लेकिन इसका इलाज तो नहीं है, अपने इधर 14 पेशेंट आई अपने इंडिया में इसी हाँ बीमारी के, पूरे इंडिया में है 14 पेशेंट आएंगे, 14 पेशेंट थे 2016 में मैं दिखी सो, हाँ तो नहीं है इसका इलाज करके बोले, फिर बाद में पता चला ये क्या करने का कहे, ऑक्सीजन पर ही रख सकते हैं इनको हाँ जितने दिन हो सकता है, अल्लाह की फजल से कवर हुए तो एज कम है, हाँ बड़ी एज वाले नहीं कवर होते, हाँ इनका हुएगा हुए तो 3 महीने में, कहे 3 महीने में किराए से लगाई मशीन, नहीं हाँ फर्क पड़ा, कितना तो किराया? 12,000 रुपए, 12,000 बारह महीना, हजार मशीन का किराया था, 8,000 के गोली थे, तो हाँ 3 लगाए 3 महीने फर्क कुछ नहीं हुआ, हाँ फिर कहे नहीं तुम खाया मिच रखना पड़ता, खरीदी चलो मशीन, बहुत मुश्किल से 1.5 लाख दे मशीन लाए लगाए, फिर गोलियां खाते खाते ऐसा रहे इतने साल तक का, बस हो गया क्या है, कितने साल?
मैं 2016 से गोलियां खा रही थी। 2016 17 18 19 20 21 22 23 सात साल से गोलियां खा रही। वो गोलियां के इफेक्ट से शुगर आया, शुगर जास्त होने की वजह से आंखें गए, आंखी का ऑपरेशन करना पड़ा। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं ये गोली जो थी तुम्हारा लास्ट स्टेज था, तो फिर तुमने ये गोली देना पड़ा, इसके वजह से तुमना शुगर आना लाजमी था। गए फिर मेरी स्किन में बड़े बड़े फोड़े आने लगे, पुंछे आने लगे और बॉडी एकदम बलून के सर का फूगी। बहुत तकलीफ हुई मुझे, उतार ले को भी क्या फर्क नहीं पड़ा, तकलीफ ही थी। फिर ऐसा तैसा करके बस हुआ मुझे। एक साल पहले बच्ची की शादी करी, बेटे की करी, अब गोली नहीं लेती। अल्लाह पास जाने का बस नको, अब भी करो छोड़िए, एक बरस हुआ था छोड़ को। लेकिन मशीन खरीदी करे थे वो लगा रही थी। फिर रात को तकलीफ हो रही थी ये 15 दिन से बहुत, तो रोने का, उठने का, बैठने का, अल्लाह से दुआ करने का, अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेज मेरे अस्तर, डॉक्टर तो कुछ नहीं कर पा रहे। फिर को फरिश्ते के रूप में तुम्हें मिले, अल्लाह ताला ने शिफा दी तुम्हारे जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या फायदा हुआ? अब सांस ले रू मैं, अच्छा खा रू और चल रू फिर रू। वी रात में दो दिन में मशीन इसने लगा ली, लगाने में बेचैनी होने लगी, काढ़े के बाद में सुकून लगने लगा। पहले मशीन लगा को सही तो सुकून ची सो रही थी, लेकिन अब लगाने में बेचैनी हुई मुझे। आराम आया। कितने दिन में निकाल डाले? मैं तुम्हारे पास से दवा ले गई सो एक हफ्ते में निकाल डाली। माशाल्लाह। एक हफ्ते में, लेकिन मुझे आराम चलने फिरने आने लगा। चार पांच दिन में ये हड्डियां में दर्द था मेरे, ऐसा वर्क नहीं होते थे सुबह उंगलियां मेरे, तो सुबह उठते ही इनको ऐसा दिखाई मैं, ऐसा वर्क हो रही, मुझे तकलीफ नहीं हो रही घर को, खुशी हुई। रात को सोए तो इधर इधर करवट लेने में दर्द होते थे, ये हड्डी में पेन था, ये हड्डियां का पेन भी गया। अब अल्लाह पर आराम। सच्चे दिल से बोल रहे आप? सच्चे दिल से। बहुत खुशी मिली मुझे, वहाँ घर में से दुआ चालू करी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कितने इंडिया में कितने मर्ज के थे? 14 थे 2016 में। बीमारियां कितने? 14 ही सबको है बोले क्या? 14 पेशेंट हैं तुम्हारे जैसे। पूरे इंडिया में 150 करोड़ की आबादी में 14 पेशेंट आएंगे थे देखो, और कितने लोग आए क्यों क्या? अच्छा देखो अल्हम्दुलिल्लाह, एक हफ्ते में शिफाया। अब ऑक्सीजन की मशीन डाले तो सुकून दिखता था, अब काढ़े तो शिफा होना तो कैसा देते अल्लाह सुभान व तआला। माशाल्लाह, नहीं तो शॉकिंग है नहीं इनकी जिंदगी की कहानी। देखो आप मर गई तो परवाह नहीं, अब गोलियां नहीं खा तू, छोड़ दिया। हस्बैंड क्या काम करते? उनके ऑटो चलाते है नहीं? अब ऑटो चला के एक लाइन के पास यू नो धूप में 50 रुपए कमाना कितनी बड़ी और कितनी मेहनत की कि उनकी रोजी रोटी है बोलो। फिर भी उनके शोहर उनको मदद करे यू नो इतने सालों से है नहीं? आज के जमाने में कौन करते? और एक शादी कर लेते। बोले बहुत जने बोले। हाँ देखो बहुत जने बोले कहते कर ले और एक शादी, क्या है ये मरीज, उन्होंने साथ दिए माशाल्लाह। यानी एक दो तकलीफ थे उनको, एक बीमारी के इलाज के वास्ते 50 बीमारियों को पैदा कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बताता हूँ आपको वो इलम जाके सारे बीमारियों की शिफा दूसरे दिन से चुटकी में बैठेगा। एक हफ्ते में ऑक्सीजन निकाल को फेंक दिए, कितनी प्यारी शिफा हो गई माशाल्लाह। यानी तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह के पास है। आपके जो ताला है, आपका ताला जो आपके पास ताला है, उसकी चाबी अल्लाह के पास है। आप डॉक्टर के पास ढूंढ रहे तो आपको नहीं मिलता, उन्होंने फोड़ते ताला, फोड़ने की कोशिश करते, फोड़ के खोलने में और आसानी से खोलने में जमीन आसमान का फर्क है। तो अल्लाह से मांगो आप हमेशा, ठीक है? आपकी कितना भी बड़ा मसला हो इंशाल्लाह हम तो चाहता, ठीक है? कितना मेरा भी जान कितना खुश हो रहा देख के माशाल्लाह मेरी माँ को, नहीं कितना बड़ा मसला उनका। नहीं हर एक बाहर गांव के डॉक्टर भी आकर उनका इलाज करेगा थे, नहीं शिफा नहीं होता। तो इंशाल्लाह हमेशा सच बोलो, और इंशाल्लाह जिनको भी शिया टीका का पेन है नुस्खा नोट डाउन कर लो, इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होता, आपको दर्द से शिफा हो जाता, ठीक है? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, शतावर 50 ग्राम, सोंट 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम, लाल मिश्री, ठीक है। ये चार आइटम भी 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर बना लेना। इसका पाउडर बना लेने के बाद एलोवेरा का जेल, आपके घरों के आसपास जो एलोवेरा रहता, कमर पट्टा बोलते उसको, और क्या बोलते, गवार, 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 गवार कुछ बोलते हैं नहीं, एलोवेरा का जेल निकाल लियो। वो जेल जो है 100 ग्राम, ये 50-50 ग्राम चार आइटम, शतावर, ये दवा सस्ते मिल जाता आसानी से आपको, शतावर, सोंट, अजगन नागोरी, मिश्री 50-50 ग्राम चार आइटम 200 ग्राम हुए, और 100 ग्राम एलोवेरा का जेल। ये जेल में ये पाउडर मिला के गोलियां बना लेना। ये चार आइटम को पीस के इसका पाउडर बना लियो, ये पाउडर ये जेल दो भी मिला के गोलियां बना लेना। सुबह एक गोली और रात में एक गोली, खाना खाने के बाद इंशाल्लाह, सुबह में एक शाम में एक, रेगुलर लियो इंशाल्लाह इससे दर्द कम हो जाता। एक चने के दाने की होता गोली बना लो, थोड़ी बड़ी बड़ी छिड़ दो, ठीक है। आपको इंग्लिश होता मधाला में सब डाल देंगे, हर एक चीज सिखाते जाना यानी 100 डाउट है आपके अंदर, 100 सवाल आए, एक एक गोली बना लो, बना लेके सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ इंशाल्लाह आप ले सकते, जिससे आपको सियाटिका का पेन इंशाल्लाह शिफा हो जाता। कुदरती चीजा है ये, ठीक है ना। खट्टे चीजों से परहेज करो, खट्टे चीजों से परहेज करो, और ये अमल इंशाल्लाह घर पर बैठ के कर लियो आप लोग, ठीक है। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज रिंग रोड इंशाल्लाह, 7 से 15 हैदराबाद, हैदराबाद में अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड काटेदान आरमगढ़ में, 19, 20 और 21 तारीख को इंशाल्लाह बैंगलोर में मिलता हूँ, कम्बीपुर अंचे पाड़िया फैजुल। आपको कितनी देर देखा मैं जब आप आए ना, आपको आधा घंटा देखा, एक घंटा देखा, एक मिनट थोड़ा सा लिखा है, तुम्हें देखे लिखो दिए किताबत बात कर आपसे, एक मिनट लगा होगा शायद, एक मिनट में ही जो गया लिखो दिए लो कर बात करे आपको, मैं नहीं, नहीं, नहीं बात करे, कुछ बात नहीं कर, खाली लिखे दिए, खाली लिखो यूँ जो गया, मेरे पास उतना टाइम नहीं है आपको, आपकी पूरी कहानी सुनने, अब सुन रहा हूँ मैंने तो ये भी नहीं सुनता हूँ था, आपकी कहानी बहुत, हर एक लाइन की जिंदगी में एक एक अलग अलग कहानी है। आप कहानी सुनाने आते दवा लेना सेकेंडरी, डॉक्टर साहब को मेरी कहानी सुनाएंगे, उन्हें गौर से सुनते, उनके पास टाइम होगा। आपकी सूरत देख कुछ पूरा पढ़ लिख बेस्तु में बहुत रहते हैं आपकी किससे कहानियां, आपकी जिंदगी में अलग अलग, हर एक का अलग अलग एग्जाम है, समझ रही है, दुनिया में एग्जाम देने आए स्वयं अल्लाह, बंदों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा करा, एक मकसद है, कोई भी चीज अल्लाह बेकार नहीं बनाया, हर एक चीज से कुछ ना कुछ अल्लाह काम लेता। तो अल्लाह इंसानों को और फरिश्तों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन हम क्या कर रहे, हम गुमराह हो जा रहे, जिसकी वजह से अल्लाह बीमारी देके हम सबको सही रास्ते पे लाना चाहता, समझ रही मेरी बात। तो इस वजह से हमको जानना है कि हम क्यों पैदा हुए, क्या काम के लिए पैदा हुए, हमको क्या करना है, क्यों है हम, आगे कहां जाना है, कौन है, हमारी मंजिल क्या है, किससे मिलना है, ये सारे चीजें हम खुद से सवाल करना, तब हम ना अल्लाह जवाब देंगे इंशाल्लाह, समझ रही मेरी बात। हर एक रिश्ते के लिए मोहताज हो जाते जब आप अपनी सेहत गवा लेते, और हमेशा सेहतमंद रहने के लिए 6 टिप्स मैं 11 बजे के बयान में जो बताता हूँ वो बैठ के फॉलो करो, हमेशा फायदा रहते, फायदे में रहते इंशाल्लाह। पहला, शिर्क से तौबा करो, धागे, तावीजा, नारल, नींबू, अंकड़े, लाल पीला पानी, एक मुट्ठी नमक, काजल के टिपके, नमूने से हम शिर्क करते ना, इससे हम अच्छे हो जाते, उससे अच्छे नहीं होते उससे बीमारी और बढ़ जाती, वो चीज से बचो शिर्क से, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करते हैं, शिर्क को माफ नहीं करते, और सबसे पहले वही है हमको शिर्क क्या है जानना है, क्योंकि हमको मांगना है मदद अल्लाह से, जनाजा भी उठाएंगे तो मतलब के सवाब से उठाते, सवाब के मतलब से उठाते, तो खाना भी नहीं देते,
नहीं तो पीछे चलने को भी है तो 40 कदम सवाब मिलता बोल को चलते, नहीं तो नहीं आते। आज के तो इतने हैं कि मर गए तो जाको देखते भी नहीं, आखिरी सूरत भी देखना मुनासिब नहीं समझते। अपने खुद बच्चे नहीं कर रहे, बाहर गो में रहते बच्चे, माँ बाप दुनिया में रहते, मर गए के बाद हम दफना दलो क्या है पेमेंट कर दे तू, कहते ऑनलाइन मार देते हम। है वो जमाना चल रहा, अब वो जमाने में है हम। हाँ वो रिश्ता हमारा कायम नहीं रह रहा, तो अल्लाह के साथ रिश्ता जो हमेशा कायम रहने का है वो क्यों कमजोर कर लेते, वो मजबूत कर ले। वो रिश्ता आपका मजबूत रहना, आप कोई भी रिश्ते के लिए मोहताज नहीं होते इंशाल्लाह, समझ रहे। तो दूसरा नमाज को कायम करो, हाजिर हो जाओ अल्लाह के सामने, नहीं तो अल्लाह डॉक्टरों के सामने हाजिर करते, बार बार डॉक्टरों के सामने फिरना अच्छा दिखता पूरी जिंदगी नहीं ना, तो अल्लाह के सामने हाजिर हो गए तो डॉक्टर के सामने हाजिर होने की नौबत नहीं आती। तो 5 वक्त दिन में इंशाल्लाह अल्लाह के सामने हाजिरी हो जाओ, 5 वक्त सारा दिन ठहरोगे को नहीं बोल रहे है नहीं, 5-10 मिनट में हो जाती नमाज, सुकून से अल्लाह के सामने ठहर जाओ। फर्ज है, फड़को नहीं हो रहा बैठ को पढ़ो, बैठ को नहीं हो रहा लेट को पढ़ो, सफर में ही कसर पढ़ो, आसानी करे अल्लाह बंदे के वास्ते है नहीं, लेकिन 5 वक्त हाजिरी दियो ना इंशाल्लाह। बीमारी की हाल में मरने रेडी ही, खबर करीब आ गई तुम्हारी, अब तो तौबा कर लेंगे बोले तो अभी तौबा करने रेडी नहीं इंसान, शैतान नहीं है ना पीछे ठहर को है शैतान, ये तौबा करा तो कहां जन्नत चले जाता है उनको से गौर फिक्र कि बोले तो आदम अलैहि सलाम की तरफ से तो उन्हें जन्नत से निकला, अब उनके बच्चे का दुश्मन बनकर बैठा हम सबका, जहन्नम को लेकर गए तक नहीं छोड़ तुम, उनको खसम खा गया उन्हें और हाथ धो के पीछे पड़े हुआ, और हम भी उसको ढील दे दिए आज, वो भी मैं भी तेरा दोस्त लेकर फिर नहीं। तो फर्ज है ना नमाज तो 5 वक्त इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, हाथ उठाओ कितने लोग पढ़े, वेरी गुड पूरे नमाज आए माशाल्लाह, कौन नहीं पढ़े ना हाथ उठा, पूरे पढ़ेंगे नहीं हाथ उठो नो प्रॉब्लम, आज से पढ़ेंगे बोल के हाथ उठाओ, नहीं पढ़े साले माशाल्लाह है नहीं। तो तीसरा तीसरा हलाल रोटी कमाओ, किसकी भी रोटी के ऊपर गंदी नजर हमारी नहीं रहना, उसे उतना मिला इसे उतना मिला उन्हें उतना खा रहा है नहीं, जिसे जितना देना अल्लाह देते हैं उसकी इस्तेमाल के हिसाब से। हम कहीं को पेट जलाले जलाले को यहाँ जैसी चिट्ठी होती सर, डॉक्टर साहब छाती में जलन छाती में जलन, ये पेट में जला रहे ना वो छाती प्यारी से है नहीं। तो पेट की जलन कम करो इंशाल्लाह, छाती की जलन भी कम हो जाती। तो किसी को देख के हम नहीं जीना, उसे उतना मिल गया उसके पास वो है उसके पास घर है उसकी जोरू गोरी है उसके 4 बच्चे हैं उसकी 2 जोरू आई उसकी कार बड़ी है उसके साथ 4 बॉडीगार्ड, अल्लाह जितना दिया अल्हम्दुलिल्लाह बोलो आपकी नेमतों में इजाफा होता। आप जितना दूसरों को देख के जिएंगे ना, और अल्लाह रोना पसंद करता रुलाते, और समझ रही। चौथा दिमाग को ठंडा रखो, टेंशन रखो लियो, अपनी जिंदगी में जो होने वाला है वो होके रहता, मौत मुखर्रर है, मौत को डर डर को डेली मरो ना को, मौत को देखो आप डेली मरेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, समझ रही। तो आप हमेशा ठंडे दिमाग से रहो, जो भी अपने जिंदगी में हो रहा वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा और जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह पैदा करे सो है, अल्लाह को मालूम है क्या करना क्या नहीं करना, सब अल्लाह के ऊपर डिपेंड हो कि जिंदगी गुजारो, पूरा डिपेंड हो जो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह तो है नहीं बस मुझे अपन भी रखो उसके भरोसे जिंदगी गुजारो, किसके भरोसे भी रखो, अच्छे से अच्छा दोस्त भी हाथ दे देता मेंटेन को साथ नहीं आता, साथ आने को किसके ऊपर हम भरोसा नहीं करते ना साथ आ जाते है नहीं। तो ऐसा तो दिमाग को क्या रखना, ठंडा रखना, गर्म नहीं कर लेना ठीक है, टेंशन गुस्सा हसद जलन और जो है टीविया मोबाइला रात भर मोबाइला रात भर जागते ना जी भी, और 5-5 6-6 बजे तक आपका दिमाग गर्म हो जाता उससे, रात में सो जाओ, उम्र कम है आप लोगों की, आप रात में जागेंगे तो कैसा बोलो, कम उम्र में 22-23 साल की उम्र में 50-60 साल के बीमार हो जाते हैं आप, क्या भी जिस्म रतानी काबिल का, अब जो है ताकत कम उम्र में वो नहीं रहती, थोड़ा उम्र बढ़ते ही 25-30 साल की उम्र में छोगा किलना
कमर पकड़ लेना, नहीं तो पैरम पकड़ लेना, नहीं तो सिर पकड़ लेना, नहीं तो मोशन नहीं हो रहा, नहीं तो पेट पकड़ लेना, जिसम सेम नहीं रहता। बचपन में जो भी हमने सीखा है वो जल्दी याद हो गया, सो रहे हो कुछ भी हो, सही है ना। कोई भी अब हम चीज बचपन में, अब हमें भी कि जितने भी सो रहे आया था याद करे बचपन में, अच्छा याद हो गए हमने, अब याद करो याद हो रही नहीं ना, क्यों बोलो, जिसम हमारा जो है चेंजेस होते रहता दिन ब दिन, जो बचपन में थे वो जवानी में नहीं, जो जवानी में है वो बूढ़े पे नहीं। 20 साल होते ही हो गया आपका जिसम कमजोर होना शुरू हो जाता, अगर आप सही डाइट नहीं लिए, सही नींद नहीं करे, सही खाए नहीं पिए नहीं तो, समझ रहे हैं आप, सही नींद और सही गिजा आपके लिए बहुत जरूरी है, पूरी नींद वो भी कच्ची पक्की, 100 को रहती है लेकिन क्या क्या होते रहता, पूरा जागते रहते, हंकिया बंद कर ले कुछ होशियार रहते, और कितने के लोग हंकिया खोल ले कुछ सोते। अब मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा, मैं देख ले कुछ आधे नींद और घर में छे बैठी, यहाँ दिमाग पूरा घर पे है, नहीं तो गर्लफ्रेंड की तरफ है। नको दिमाग आपका एक जगह ठिकाने पर रहना, दिमाग ठंडा रहना, जिसम गर्म रखो, बॉडी को एक्शंस दे लो, काम वगैरह करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, वॉकिंग करो, हलो हदरो, मौका ढूंढो किसी की खिदमत करने के वास्ते, यानी पानी पिला को नहीं पिलाते, इतने काहला हो गई, हमें पानी पिलाए तो काम उन्हें बच जाता, यानी दुआ लेने के लिए ढूंढते रहो, ये दुआ हमारी बहुत बड़ी दौलत है, ये सबको नसीब नहीं होती, समझ रहे हैं आप, मतलब से जिंदगी नको गुजारो, हमेशा कौम की खिदमत करने का एक अंदर आपके जज्बा आ गया ना, इंशाल्लाह आपका फायदा होता इंशाल्लाह। तो जिसम को क्या करना, क्या करना, ठंडा रखना, सुन रही हैं क्या, क्या बोला, जिसम को क्या करना, गरम रखना, बरकोल्ड लेग्स हो जाना, हाँ ठंड के दिन आई ना सारा दिन एसी डाल ले कोल्ड लेग्स होते, यानी ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं हम लोग। छठवां, पेट को नरम रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, सही खान पान जान लो, फिर कितना बोलते रहते हो क्या खाना क्या खाना, नहीं नहीं जो नहीं खाना बोलता हूँ वही खाते, इन्होंने नहीं खाना बोला, नहीं चल खाएंगे ये खाएंगे, यानी गुटखा नहीं तो हमारा दिन नहीं गुजरता, शराब नहीं तो हमारी रात नहीं गुजरती, दौलत का नशा, यानी क्या होता देख लेंगे, शराब गुटखा सिगरेटा बीड़िया तंबाकू, चिकन, चिकन खाना बोलता हूँ फिर भी वो खाते, टेस्टी है ना, कम रेट में मिल जा रहा, फोकड़ हो जाते जी अंदर खाना को, चिकन गोश्त काटने वाले चाकू मेरे पास ठहरते नहीं, खाते हमें खलाते करते, चिकन नको खाओ इससे और बीमार हो जाते, जिससे हम बहुत कमजोर, हार्मोन इम्बेलेंस हो जाता, मर्दानगी खत्म हो जाती, घर में नमक को बदलो, सेंधा नमक इस्तेमाल करो, शुगर हेल्स वाले कलौंजी और मेथी को अपनी आदत बनाओ, थायराइड हेल्स वाले धनिया और काली मिर्ची को अपनी आदत बनाओ, खांसी बलगम है इस वाले अदरक को अपनी आदत में बनो, समझ रही मेरी बात, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको चर्बी है, अर्जुन की छाल और सना का पत्ता अपनी आदत बनो, जिनको दर्दा ही भिंडिया को अपनी आदत बनो, अगर इसकी आदत आप बना लिए तो लाइफ लॉन्ग आप डॉक्टरों से दूर रहते, पेट को नरम रखो, आखिरी पॉइंट ये, आपका सही खान पान आपका पेट नरम रखता, अगर आपका पेट सही है तो आप सब सही, अगर पेट खराब रख लेंगे तो आपके मसले और बड़े होते जाएंगे, फिर कोई भी साथ नहीं आता आपको, समझ रही, कितना अगर को ढूंढते रहेंगे बोलो बीमारियां को, कब तक ढूंढते रहेंगे, कोई भी बीमारी परमानेंट नहीं जाती, नहीं परमानेंट खत्म होती, अपनी आदत में गिजा बनेंगे तो आप में गिजा से करो, आपको दवा नहीं, भेंडिया दवा नहीं है गिजा है, अब वो भी हमारे लोग पूछते कितने दिन खाना डॉक्टर साहब, भेंडिया ऐसा पूछते, मैं समंदर के किनारे में अंदर जाकर उठा लेके आओ बोला कर, पहाड़ पे जाके तोड़ लेके आओ करूंगा ना, वैसा पूछते डॉक्टर साहब, मूली का जूस कितने दिन पीना, कहते डॉक्टर साहब कद्दू कद्दू कितने दिन खाना, ये कलौंजी मेथी कितने दिन खाना, खबर को गए तक खाओ बोल तुम्हें पूछे तो, अपनी आदत बना लियो, बीच में एक हफ्ता छोड़े तो भी कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपनी आदत बनेंगे, अपना रूटीन बनेंगे, 4 दिन की दुनिया है ये, मौत कब है नहीं मालूम किसे भी,
है नहीं, किसी को नहीं मालूम मौत कब है। तो मौत इतना एक दिन मुकर्रर है, अल्लाह को मिलने के चाहत में जियो। एक ख्वाब देखो बस। क्या, कौन सा ख्वाब, कौन सा ख्वाब? अल्लाह से मिलने का और जन्नत को जाने का। जन्नत को जाने का ख्वाब देखो, ये दुनिया की खुशियां नको। वो एक ख्वाब देख लेते हुए अपनी जिंदगी गुजारो, इंशाल्लाह वो ख्वाब सच करेंगे अल्लाह सुब्हान व तआला। और वो ख्वाब सच होना तो आपको अल्लाह के कुछ अहकाम को मानना बहुत जरूरी है, जैसा कि शिर्क से बचना, नमाज को कायम करना और अपनी सेहत का खास ख्याल रखना। ये सेहत अमानत है, कीड़ों की गिजा है ये हमारा जिसम, मरते ही कीड़े खाते, उसके बाद खत्म है नहीं। कीड़ों की गिजा उन्होंने खाए तो भी दुआ देना, अच्छा मेंटेन कर रहा जिसम को, बोल को खाको गालियां नहीं देना, छड़ा ले गया पूरा जिंदेपन में कीड़े खा गई से, पर को खाको उल्टी कर को बद्दुआ नहीं देना कीड़े, नहीं खाको भी। हमें देखो जर्रा चर्बी मिल गई तो क्या मंडबेल काट यार, एक हिसाब करते यानी कौला, अच्छा गोश्त मिला तो कितनी दुआ देते, अच्छा दिया बा गोश्त ने, कम पैसा में गोश्त दिया। इसी तरह कीड़े भी दुआ देना हमने मरने के बाद, किसकी दुआ कैसा काम आती नहीं मालूम। सुलेमान अलैहिस्सलाम हर एक परिंदों को, हर एक जानदारों के ऊपर हुकूमत करते, हर एक चीज से काम लेते है नहीं। तो नो एक बार सबको दावत दे तुम बोल के अल्लाह से गुजारिश करे, मालूम आपको किस्सा है, सबको दावत दे तुम बोल के तो अल्लाह बोले रिजक खिलाने वाला मैं हूं, फिर भी अल्लाह से उन्हों दुआ करे कि अल्लाह मुझे एक मौका दे कि मैं एक वक्त की दावत दी सबको, पूरे टन्ना टन्ना का मंगा को पकाए, पूरा फूलों से काम लिया, हवा से, परिंदों से, चुमटियों से, हर जानवरों से काम लेते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, वैसी हुकूमत दिए थे अल्लाह। तो उन्हों जैसा ही बने, पूरा बने, तो वेल मच्छी आई, एक निवाले में पूरा खा गई, खा के बोली के एक ही निवाला खाई, आधा पेट खाई, वो भी गई, पेट नहीं भरा। और अल्लाह मुझे ऐसा 3 टाइम पेट भर के खिलाते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिज़्क और मौत अल्लाह के हाथ में, नहीं तो डरो ना को इंशाल्लाह, हर चीज पे हाजिर है जी अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एरोप्लेन में सफर करे, एरोप्लेन में कोई सफर करे, देखो आप कितनी बड़ी दुनिया, आसमानों के ऊपर आसमान, कैसे बादल, कैसा रहता, अलग दुनिया, पानी की दुनिया अलग है, आसमान की दुनिया, हर एक चीज में आप ढूंढो अल्लाह की जो बनावट है, कैसा बनाया अल्लाह ताला। लेकिन इतने सारे चीजें बनाने के बाद भी अल्लाह क्या बोलता, मैं इंसान से बहुत मोहब्बत करता हूं। इतनी मखलूक बनाया, 18,000 मखलूकात हैं, कहते 18,000, कितने 18,000, जिसमें परिंदे, जानवर और जो है फरिश्ते सब आ जाते। लेकिन अल्लाह क्या बोलते, अशरफुल मखलूकात, क्या बोलते, मैं इंसान को ज्यादा पसंद करता हूं। कई को बोलो इंसान के अंदर एक खूबी अल्लाह बहुत पसंद करते, क्या बोलो, उसे अपनी गलतियों का एहसास होना, उन्हें तौबा करना। हमें तो इतने मंड ही बैलांग का गोश्त खा खा को, अब बैलांग का गोश्त भी मैं बंद कराना, चिकन बंद करा रहा हूं, बड़े का खाओ बोल रहा हूं ना, बड़े के गोश्त से भी बीमारियां आती मालूम आपको, अब वो भी बंद कराया तो अब बकरे का कहां से लेंगे, ऑलरेडी दवाइयों को पैसे डाल डाल को थक जाते, अब बकरे का 500 रुपए किलो बोले तो हड्डा भी नहीं मिलते आपको 500 रुपए में, हड्डा तो भी चूसेंगे बोले तो दुकान के अंदर भी नहीं बुलाता हमने, नहीं तो बड़े का गोश्त खाओ थोड़ा बहुत बोले तो नहीं, इनको टन्ना टन्ना छोना, बासन फुल, प्लेट फुल, खाली गोशान छोना। वो काका को और भी मंड हो गई, क्या बोलती, उल्टाज करते है नी, क्या किस बोलते हैं, कहां की चले जाता हूं ठीक है ले, जो भी हो थोड़ा अल्लाह दिमाग देना, सोचो ठंडे दिमाग से सोचो, और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहो,
अल्लाह की पनाह में आते रहो, अस्कार करते रहो, जिक्र करते रहो, इंशाल्लाह फायदे में रहते, ठीक है ना। तो हमेशा अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तो आपको और मुझे दुनिया और आखिरत के सारे नामतों से माला माल करे और हमेशा सेहत अता करे, ठीक है। सेहत बहुत बड़ी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। तो मेरा फोन नंबर 9900666495 7795414139 8197041411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।